हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हिंदी में बोलेंगे रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे 1, 2, 3, 4। तो हम लोग अगले क्लास में क्या समझे थे, इस प्रकार से 2x प्लस में 3y बराबर में 2 और x प्लस में और यहाँ पे 4y बराबर में 1, इस तरीके से समीकरण दिया हुआ और करा इस रैखिक समीकरण को x और y का मान ज्ञात की, इस मेथड से आव्यूह विधि से कहा था। तो उसको फाइंड करने के लिए जब इस इक्वेशन को आव्यूह विधि से कहा था तो हम लोग क्या किए थे, लेट कह लिए थे, इस तरह लेट किए थे क्या ना, इस इक्वेशन को आव्यूह के रूप में। तो इस इक्वेशन को आव्यूह के रूप में लिखने के लिए x के गुणांक लिखते हैं, फिर y के गुणांक, और x के गुणांक और y के गुणांक a लिख लेते हैं, फिर b बराबर आव्यूह b बराबर लेट करते क्या 2 1 कैपिटल x, फिर कैपिटल x बराबर लेट करते क्या है ना x और y। तो इस इक्वेशन को तीन इक्वेशन में, तीन मैट्रिक्स में हम लोग लेट करते हैं। अब x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए सूत्र हम लोग समझे थे और थ्योरम के सिद्ध भी किया गया था कि a इनवर्स बराबर क्या होता है, x बराबर में a इनवर्स इनटू में b, ये सूत्र हम लोग देखे थे। तो आइए, तो x फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स, a गिवन है, इनवर्स फाइंड कर लेंगे, b भी गिवन है और x बाय तब फाइंड होगा। तो हम लोग इसका ना x बाय फाइंड करने के लिए a इनवर्स, तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 2 8 और माइनस 1 × 3 3, तो ये आ गया 5। तो डिटरमिनेंट ए आ गया 5। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। तो पहला 2 का कोफैक्टर क्या आएगा 4, 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 1, लेकिन साइन रूल यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। अब दूसरा रो पहला यहाँ पे लिख लेते, दूसरा रो पहला कॉलम 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 3, यहाँ साइन रूल क्या होता है, माइनस, माइनस लगाएंगे। दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 2, ए लिख लिए। तो अब कोफैक्टर फाइंड हो गया, तो अब एडजॉइंट लिख दीजिए, एडजॉइंट ए कैसे लिखते, फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट कॉलम में लिख दो क्या ना 4 और माइनस 1, सेकेंड रो के कोफैक्टर को सेकेंड कॉलम में लिख दो माइनस 3 और 2, और ये क्या फाइंड कर ले, एडजॉइंट। अब हम लोग ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का सूत्र होता है 1 डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो 1 डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या फाइंड हो चुका 5, और एडजॉइंट, एडजॉइंट लिख दो, एडजॉइंट क्या आया हुआ 4 माइनस में 3 माइनस 1 और 2, और ए लिख दे, ए क्या फाइंड हो गया, ए इनवर्स। हमें तो फाइंड करना एक्स बाई, तो हम लोग अब x बराबर सूत्र यूज कर लेंगे a इनवर्स इनटू b, तो a इनवर्स का वैल्यू 1/5 4 माइनस में 3 माइनस 1 2 इनटू b, b का वैल्यू क्या गिवन है 2 1 और 1/5। अब इसको हल कर ले, रो को कॉलम के साथ क्या आ जाएगा 4 × 8 और माइनस 3, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ तो क्या है माइनस 2 और प्लस में क्या आ जाएगा 2, और ए आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो ए मिल जाएगा यहाँ पे 1/5, ये क्या आ जाएगा 5 और ये मिल जाएगा 0। यहाँ पे लिख ले एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अब 5, 1/5 को गुना करेंगे तो 1 और ए क्या आ जाएगा 0। एक्स का वैल्यू रख दो एक्स और वाई, इस कैपिटल एक्स का वैल्यू एक्स वाई बराबर में 1 और 0, तो x बराबर क्या 1, y बराबर क्या 0, और ये x y का वैल्यू फाइंड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अगले लेक्चर में समझ चुके थे कि जब लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो और उसका कह दे x y का वैल्यू फाइंड कीजिए किस मेथड से, आव्यूह मेथड से, तो इस तरीके से फाइंड करने के लिए सीख चुके थे। अब हम लोग समझेंगे नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन हिंदी में बोलेंगे हलों की प्रकृति।
हलों की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग समझेंगे, जब इस लिनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उस लिनियर इक्वेशन को कहेगा कि यह संगत है या असंगत है, एक हल या अनेक हल है, ये समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं पॉइंट, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हलों की प्रकृति। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि यदि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तब रैखिक समीकरण समीकरणों के निकाय का केवल एक हल होगा और यह संगत होगा, और क्या, और संगत है, और यह क्या होगा, संगत होगा। कब, जब रैखिक समीकरण के निकाय का एक हल होगा तो यह क्या होगा, संगत, और संगत भी होगा, और संगत भी होगा। और दूसरा पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि यदि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो हो जाए, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो, अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जीरो हो जाए, और तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है, तब हम लोग समझेंगे रैखिक समीकरण के निकाय का अनेक हल होगा और यह भी क्या होगा, संगत भी होगा। कब, जब डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो, तब रैखिक समीकरण के निकाय का अनेक हल होगा और संगत भी होगा। यदि कंडीशन में क्या आ जाए, यदि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो और एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो और यह जीरो के बराबर नहीं है, तब हम लोग समझते हैं रैखिक समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं होगा और यह रैखिक समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। कब रैखिक समीकरण असंगत होगा, जब जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होता है, असंगत होता है, इनकंसिस्टेंस होता है, संगत मतलब कंसिस्टेंस होगा। तो ये हम लोग पॉइंट समझ लेंगे। अब हम लोग समझते जैसे एग्जांपल में, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो मात्र केवल एक हल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे संगत है। यदि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो हो जाए या और अगर जीरो आ जाए, डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो, जीरो हो जाए, तब हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू भी जीरो आता हो, तब कह देंगे रैखिक समीकरण निकाय क्या होगा, अनेक हल होगा और ए संगत भी होगा। और यदि डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है और एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के बराबर नहीं हो, तब रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा और यह क्या होता है, असंगत होता है। जैसे हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल में, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से, करण निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह का प्रयोग कर हल करें कि यह इक्वेशन या लिनियर इक्वेशन क्या है ना, संगत है या असंगत है। सो पूछ रहा है एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं हो रहा, सो पूछ रहा है किस विधि से, तो आव्यूह का प्रयोग कर। तो इसको सबसे पहले क्या हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लेट करेंगे, तो क्या ना इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लेट कह लीजिए, तो इसको 1-1 और A1, फिर 2-1-3
वन वन और वन, एक्स बाय जेड के कोफिशियंट लिख लिए। फिर अब बी बराबर, तब बी बराबर हम लोग क्या मानते हैं, जो इक्वल में वन फोर सॉरी फोर जीरो और टू। फिर अब लेट करेंगे कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स बराबर क्या ना एक्स बाई और जेड, इसको लेट कह लेते हैं। ये हम लोग क्या ना लेट कह ली मैट्रिक्स के फॉर्म में, लिनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लेट कर दे, मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को, जब इस इक्वेशन को कहा जा रहा है किस फॉर्म में, संगत है या असंगत है, एक हल है या अनेक हल है। तो हम लोग अभी अभी सीखे कि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो एक हल होगा और संगत होगा। जब डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए तो और चेक करना पड़ेगा क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करना पड़ेगा। अगर जीरो आता है तो कह देंगे अनेक हल, और जीरो नहीं आता है तो कहेंगे कोई हल नहीं है। ये हम लोग सीखे। तो आई इसको कहा जा रहा है चेक कीजिए संगत या असंगत। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग इसको हल कह लेते हैं। तो क्या लिखेंगे वन, और यहाँ पे इसको सॉल्व कह लेंगे तो क्या जाएगा वन माइनस माइनस प्लस में थ्री फिर माइनस, तो माइनस वन लिखेंगे प्लस में वन, दो गुना वन दो और वन गुना माइनस थ्री प्लस में थ्री और प्लस में वन, तो दो गुना वन दो और वन गुना वन वन ए। तो ये क्या आ जाएगा तीन एक चार, चार गुना वन चार और यहाँ पे पाँच, पाँच गुना वन प्लस में पाँच, और ये क्या आ गया यहाँ पे और प्लस में वन, वन गुना वन वन, तो क्या मिल गया दस। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या आया, दस आ गया, मतलब डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू क्या आया जीरो, यह जीरो के बराबर नहीं आया। तो कह देंगे यह जो रैखिक समीकरण निकाय क्या है, संगत है और केवल केवल एक हल है, केवल एक हल है। ये हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग फाइंड, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या ना जीरो आ जाता तो हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ा, एडजॉइंट ए, फिर उसको बी से मल्टीप्लिकेशन करते, अगर उसका रिजल्ट जीरो आता तब कहते अनेक हल। लेकिन यहाँ पे क्या आना गया डज नॉट इक्वल टू, ए जीरो के बराबर नहीं आया, तो यहीं पर हम लोग पॉइंट से बता देंगे कि यह क्या है संगत है और ये केवल एक हल होगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर सेवन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेवन का सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन आप लोग बना लेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर आठ समझो क्या करें, निम्नलिखित समीकरण निकाय के संगतता की जांच कीजिए। तो ए लीनियर इक्वेशन को कहा जा रहा है चेक कीजिए कि संगत है या असंगत। तो संगत असंगत चेक करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लेट करेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स के गुणांक वन बाई के गुणांक थ्री और ए टू और थ्री सिक्स, ए लिख लिए मैट्रिक्स के रूप में। और फिर बी, तो बी बराबर लेट करेंगे फाइव और एट। फिर सी बराबर क्या ना सॉरी एक्स बराबर एक्स और लेट करते हैं एक्स और बाई। अब ए इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लेट करने के बाद चेक करने के लिए कहा जा रहा है संगत है या असंगत। तो संगत असंगत चेक करने के लिए अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो आता तो कहेंगे संगत, और एक कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखते, तो पहले इसका संगत चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा वन गुना सिक्स सिक्स माइनस टू गुना थ्री क्या आ जाएगा सिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आया जीरो। तो ए जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो अब चेक क्या करना पड़ेगा एडजॉइंट गुना बी चेक करना पड़ेगा। अब जीरो आ गया है तो अब एडजॉइंट निकालेंगे। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर निकालेंगे। तो वन का को फैक्टर क्या हो जाएगा सिक्स और तीन का को फैक्टर क्या हो जाएगा माइनस दो, और लेकिन यहाँ पे सैन रूल क्या होता है माइनस, माइनस लग गया। अब दूसरा रो यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा रो पहला कॉलम मतलब दो का को फैक्टर तो क्या मिलेगा थ्री, सैन रूल क्या होता है यहाँ पे माइनस, माइनस लग गया। दूसरा रो दूसरा कॉलम सिक्स, सिक्स का को फैक्टर वन, ए आ गया। अब लिख लो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए तो फर्स्ट रो के को फैक्टर को कॉलम में लिख लो सिक्स माइनस टू, सेकेंड रो के को फैक्टर को कॉलम में लिख लो माइनस थ्री और वन, तो क्या लिख लिए एडजॉइंट। अब हम लोग चेक करेंगे एडजॉइंट ए इनटू में बी, तो एडजॉइंट ए क्या फाइंड हुआ है सिक्स माइनस थ्री माइनस टू और वन इनटू इनटू बी, बी क्या गिवन है
और 8। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा 6 5 30 और 8 3 24। फिर इस रो को इसके कॉलम के साथ, 5 2 10 प्लस में 8, और ए रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे 6 और ए माइनस में 2। तो एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आया, 0 आया क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी गुना के तो 0 नहीं आता, कह देंगे एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा पॉइंट से मैच किया, इस पॉइंट से मैच किया, मतलब यह कह सकते हैं यह रैखिक समीकरण का क्या होगा, असंगत हुआ। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा और एडजॉइंट ए इंटू बी भी क्या रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा था, ए इस पॉइंट से मैच किया, तो कह देंगे यह रैखिक समीकरण का क्या है, असंगत, इनकंसिस्टेंस है, असंगत है, ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड समझते हैं, जैसे 8 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको कहा जा रहा है संगत या असंगत। इसको संगत असंगत चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए जान चुके हम लोग, ये 1 2 2 और 3 ए लिख लिए, और बी बराबर हो जाएगा 2 3 और कैपिटल एक्स बराबर एक्स और वाई ए मान ली। अब यहाँ पे अब चेक करना, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो 1 गुना 3 3 और 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4, तो इसका रिजल्ट क्या आया माइनस में 1। ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया, तो कह देंगे डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, कौन सा, इस पॉइंट से मैच किया, मतलब ये क्या है, संगत होगा, ये रैखिक समीकरण क्या है, संगत है, और इसको कह सकते हैं कंसिस्टेंसी है, और एक केवल ओनली वन हल है, इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड। तो इसी प्रकार से आप लोग खुद बना सकते हैं 8 का 3rd 4th 5th और 6, हम लोग खुद बना लेंगे। अब समझते क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझें, क्या करा, निम्नलिखित समीकरण निकाय के संगतता की जांच कीजिए, यदि संगत है तो इन्हें क्या कहा जा रहा, हल कीजिए, और इसको हल भी कीजिए, कब, जब संगत है तब। तो एक क्या ना, 3 रो 3 कॉलम है यहाँ पे, सॉरी 3 वेरिएबल एक्स वाई और जेड है, ये चेक करना संगत है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 और माइनस में 1 3 3 2 माइनस में 1 4 5 और माइनस में 5 और एक कैपिटल एक्स सॉरी बी, बी बराबर लेट कह लेंगे क्या 5 7 और 9 और एक कर ले, और कैपिटल एक्स बराबर मान लो कैपिटल एक्स बराबर क्या एक्स वाई और जेड ए मान ली। तो इस इक्वेशन को कितने मैट्रिक्स में लिख दिए, 3 मैट्रिक्स में लिख लिए। अब चेक करना संगत है कि नहीं, तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए सभी जानते हैं, तो 5 दुना 10 और माइनस 5 गुना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5, फिर माइनस में माइनस 1 उतरेगा तो प्लस में 1, तो 5 3 15 और माइनस 4 गुना 1 तो प्लस में 4 आ जाएगा, और प्लस में 3 3 और ये हो जाएगा 5 3 15 और 4 2 8। ये डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे घटाएंगे माइनस 5, तो माइनस 5 गुना 2 तो माइनस में 10 और ये यहाँ पर 11 गुना 1 तो माइनस में 11 और प्लस में इसको घटाएंगे 7 7 3 21 और 21 इसको घटा लो तो माइनस में 21 और प्लस में 21 तो क्या आ गया 0, मतलब डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ नहीं कह सकते हैं कि संगत है या असंगत, तो इसको अब चेक करना पड़ेगा क्या, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, को फैक्टर, तो 2 का को फैक्टर निकालो। तो को फैक्टर निकालने के लिए हम लोग समझ चुके हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग को फैक्टर निकालने के लिए 7.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या ना, को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट समझा रहे हैं को फैक्टर। तो 2 का को फैक्टर निकालेंगे तो रो कॉलम छिपेगा, तो क्या बचेगा ए, तो 5 दुना 10 और 5 गुना माइनस तो प्लस में 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 5।
अब निकालेंगे पहला रो दूसरा कॉलम, इसका कोफैक्टर, तो रो कॉलम छिपाओ, तो इसका कोफैक्टर तो 5 × 3 = 15 और माइनस में, और 2 × 4 = 1 − 1 तो प्लस में 4, 2 × 1 = 3 विषम है तो माइनस लगेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा −11, माइनस माइनस प्लस में 11, पहला रो तीसरा कॉलम। अब इसका निकालो, रो कॉलम छिपाओ, 5 × 3 = 15 और माइनस में 4 × 2 = 8 ये आ गया, तो साइन रूल यहाँ पे पॉजिटिव होता है और ये रह जाएगा 7। अब निकालो दूसरा रो पहला कॉलम, इसका कोफैक्टर, रो कॉलम छिपाओ, तो −1 × −5 तो प्लस में 5 और 5 × 3 तो 5 × 3 = 15, साइन रूल यहाँ पे माइनस होता है, क्यों 2 × 1 = 3 विषम है तो माइनस लगेगा, तो ये −10 और माइनस प्लस में 10। दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका निकालो, तो 5 × 2 = 10 और 4 × 3 = 12 और ये आ गया, इसको जोड़ेंगे तो माइनस में क्या जाएगा 22 और एक फाइनल हो गया। अब निकालेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसका कोफैक्टर, रो कॉलम छिपाओ, तो 5 × 2 = 10 और माइनस में 4 × 1 तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा और साइन रूल यहाँ माइनस होता है तो माइनस में 14। अब निकालेंगे तीसरा रो पहला कॉलम, इसका कोफैक्टर, रो कॉलम छिपाओ, तो ये मिल जाएगा 1 और माइनस में 6 तो माइनस में 5। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो साइन रूल यहाँ लगेगा, 3 × 2 = 5 विषम है माइनस लगेगा, रो कॉलम तो 2 × −1 माइनस 1 3 × 3 3 × 3 = 9 तो 9 × 1 = 10 आ जाएगा तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसका निकाल, रो कॉलम छिपा, 2 × 2 = 4 और 3 तो ए आ जाएगा 4 और प्लस में 3 तो ए मिल गया 7। तो ए हम लोग फाइंड कर लिए कोफैक्टर, तो अब लिख लो एट ज्वाइन ए, तो एट ज्वाइन ए निकालने के लिए सभी जानते हैं। अब एक कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर को, फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट कॉलम में लिख लो, तो −5 = 11 और 7। सेकेंड रो के को फैक्टर को सेकेंड कॉलम में लिख लो, तो हो जाएगा 10 माइनस में 22 और माइनस में 14। अब सेकेंड थर्ड रो के को फैक्टर को थर्ड कॉलम में लिख लो, −5, 10 और 7 ये लिख लिए। अब ये एक ज्वाइंट हम लोग फाइंड कर ले, अब एक अब संगता चेक करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एक ज्वाइंट ए इंटू में बी, अब एक ज्वाइंट ए को बी से गुना करो, एड ज्वाइन लिखो −5, 10 − 5 = −22 + 10, 7 − 14 + 7 इंटू बी, बी क्या गिवन है, बी बी ए गिवन है 5, 7 और 9 और ए, अब गुना कर दो, गुना करने के लिए जानते हैं, अब रो को किसके साथ करेंगे, कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस में 25 और दधे के 70 और ये आ जाएगा और यहाँ पे 9 × 5 = 45 ये आ गया। अब इस रो को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या आ गया 11 × 5 = 55 और यहाँ पे 7 × 2 = 14 और 14 × 1 = 15 कितना 154 आ जाएगा और ये मिल जाएगा 9 × 10 = 90 ये और ये आ गया यहाँ पे और 9 × 10 = 90 मिल जाएगा इसमें, तो हम लोग यहाँ पे सुधार लेंगे, ए क्या आ जाएगा ना यहाँ पे मिल जाएगा, इसका तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम का सॉल्व करेंगे, 2 × −2 तो हो जाएगा −2 और 3 × 3 = 9 ए −9 × 2 = 11 आ जाएगा यहाँ पे 11, इसका कोफैक्टर 10 के जगह पर 11 हो जाएगा और 11। अब इसको गुना कह लो 11, अब गुना 11 × 5 = 55 और 22 × 7 = 54 आ जाएगा 100 और 11 × 99 क्या आ जाएगा 99। अब ये गुना करो 7 × 5 = 35 और ये आ जाएगा 14 × 7 = 98 और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 7 = 63 और ये आ गया यहाँ पे हम लोग। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, इसको भी जोड़ेंगे तो 0 और इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ गया 0। तो एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू क्या आ गया ना 0, तो एडजॉइंट ए, तो यहाँ पे लिख लो एडजॉइंट ए
इनटू में बी इक्वल टू जीरो आ गया, एड ज्वाइंट ए इनटू बी इक्वल टू जीरो आ गया और डिटरमिनेंट ए इक्वल टू भी जीरो आया, तो कह देंगे यह जो इक्वेशन है क्या है, संगत है। यह इक्वेशन क्या है, संगत है। तो जब संगत है तब हम लोग को कह रहा है इसमें फाइंड कीजिए एक्स और वाई का वैल्यू। तो ध्यान देंगे संगत है तो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के इसको रफ करना पड़ेगा। रफ करते हैं और ये हम लोग यहां से क्या कह लेना, रफ कह लेते हैं। तो अब यह संगत है, तो संगत है तो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ना यहाँ पे मान लेंगे, माना जेड बराबर क्या जीरो, जेड बराबर क्या मान लिए जीरो। तो ये क्या हो जाए ना, समीकरण फर्स्ट है, सेकेंड है और ये क्या है थर्ड है। तो ये चल दो टू एक्स माइनस में वाई और इतना बराबर जीरो रख देंगे तो जीरो बराबर में फाइव हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। और ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस में टू बाई और माइनस बराबर में क्या ना सात, इक्वेशन सेकेंड। और ए हो जाएगा फोर एक्स प्लस में फाइव बाई और जेड जीरो रख लिए हैं तो ये क्या मिल जाएगा नाइन बराबर में क्या, समीकरण ए हम लोग मान लेंगे थर्ड। तो इसको जेड बराबर क्या ना के मान लेंगे हम लोग, जेड बराबर जीरो नहीं क्या मान लो के। तो जेड बराबर के मानेंगे तो क्या जाएगा ना यहाँ पे इस तरीके से प्लस में थ्री के, तो जेड बराबर के, तो ए मिल जाएगा टू एक्स माइनस बाई और प्लस में थ्री के बराबर में फाइव समीकरण फर्स्ट। और थ्री एक्स प्लस में टू बाई और माइनस में जेड के, जेड के जगह पे के और बराबर में क्या ना सेवन समीकरण सेकेंड। और ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस में फाइव बाई और माइनस में फाइव के इक्वल टू नाइन समीकरण थर्ड। और यहाँ से अब हम लोग फाइंड कर लेंगे किसका, एक्स और बाई का वैल्यू। तो एक्स बाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करें क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हल कर लेंगे हम लोग। तो इसको लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे टू एक्स माइनस बाई बराबर फाइव माइनस में थ्री के, इक्वेशन क्या लिखें फर्स्ट। और ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस में टू बाई बराबर में सेवन और प्लस में के और ए समीकरण सेकेंड। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करने के लिए इसका बाई को कट करेंगे तो दो इसमें गुना करेंगे और इसमें वन, तो क्या हो जाएगा ना कट जाएगा। तो दो गुना करेंगे तो ए क्या हो जाएगा ना, ए बाई बाई कट जाएगा तो दो दूनी चार और तीन, तो चार में तीन को ऐड करेंगे, चार तीन क्या हो जाएगा सात एक्स और ए पांच दूना दस, दस और सात कितना हो जाएगा इसमें सत्रह, छ छ में एक घट जाएगा तो माइनस में फाइव के ये आ गया। तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, सत्रह माइनस फाइव के बटा में सात, ये एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, बाई का। तो बाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स का मान समीकरण किस में रख दे, फर्स्ट में रख दे। तो हम लोग फाइंड करने के लिए इसको रफ कह लेते हैं। अब ये लिख दीजिए एक्स का मान समीकरण वन में रखने पर, ये समीकरण वन में रख लो तो क्या हो जाएगा ना टू और एक्स का मान कितना सत्रह माइनस में फाइव के और बराबर बटा में सेवन और माइनस में बाई और प्लस में थ्री के बराबर में क्या फाइव, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको गुना कर दो, सात सत्रह दूनी चौंतीस और माइनस में दस के बटा में सेवन और प्लस में थ्री के और ए माइनस में फाइव बराबर में क्या हो जाएगा बाई। अब एलसीएम ले लीजिए कितना सेवन, तो ए हो जाएगा चौंतीस माइनस में दस के और सत्या इक्कीस के और सात पच्चे पैंतीस बराबर में बाई। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा ग्यारह के और ए घटाएंगे तो माइनस में वन और सेवन, तो ए मिल गया बाई। बाई का वैल्यू क्या फाइंड हो गया है ग्यारह के माइनस वन बाई सेवन और ए एक्स का वैल्यू और ए बाई का, जेड का वैल्यू क्या ना हम लोग जब क्या किए थे k
के लेट किए थे, तो ए फाइंड हो गया एक सौ बाई का वैल्यू। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड आप लोग खुद से बनाएंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टिल, शुक्रिया, फिर मिलते अगली क्लास में। आज की क्लास इतना ही।